नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं या आपकी रुचि किसान, खेती और किसान से जुड़े मामलों में है, तो आपने जरूर कभी ना कभी स्वामीनाथन आयोग या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। क्यों देश के किसान और किसान संगठन समय समय पर सरकारों से मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। ये स्वामीनाथन आयोग कौन थे, इनकी रिपोर्ट क्या थी और वो कैसे देश और प्रदेश के किसानों को प्रभावित करेगी, और क्यों सरकारें किसानों से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के वायदे के नाम पर वोट बटोरने के बाद सत्ता में आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से पीछे हटती हैं। जो सरकार किसानों से वायदा करती है कि आपकी इनकम, आपकी आमदन हम दुगनी कर देंगे, उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से क्या परहेज है। अगर स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2004 को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे, भारत सरकार चाहती थी कि राष्ट्रीय किसान आयोग किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी एक रिपोर्ट दे, सरकार को बताए अध्ययन करके परिस्थितियों का कि कैसे किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, कृषि को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। और इस कार्य के लिए जो आयोग गठित किया गया 18 नवंबर 2004 को, उसने अक्टूबर 2006 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। और इस राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने की, ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में दी। क्योंकि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस राष्ट्रीय किसान आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ गया। और इसने जो रिपोर्ट दी अक्टूबर 2006 में केंद्र सरकार को, उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहा गया। अब सवाल पैदा होता है कि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन कौन थे। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, उनका जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। वो पौधों की जेनेटिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक माना जाता है, उस हरित क्रांति में उन्होंने कृषि से जुड़े मामलों का एक तरह से हम कहें नेतृत्व किया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने मैक्सिको की जो बीज थे हाई यील्डिंग प्रोडक्टिविटी के, उनको पंजाब की गेहूं के बीजों के साथ मिलाकर एक नई संकर नस्ल तैयार की, जिससे पैदावार बढ़ गई। और भारत, जिसको गाँव का देश माना जाता है, जहाँ ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े थे, लेकिन खेतीबाड़ी से संबंधित देश, गांव का देश होने के बावजूद भी भारत के ऊपर एक कलंक था, जो भूखमरी हमारे खेती से जुड़े लोगों को भी सहनी पड़ती थी, भूखमरी का शिकार होना पड़ता था, अनाज आयात करने पड़ते थे। इस कलंक को भारत के माथे से उतारने वाले प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन थे, उनका विशेष योगदान इस पूरे मामले में रहा। वैसे तो भारत सरकार ने प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को अनेकों बार सम्मानित किया, लेकिन विशेष तौर पर 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन एक मिशन, एक लक्ष्य लेकर चलते थे कि वो पूरी दुनिया को भूखमरी से, कुपोषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और उसी के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कृषि से जुड़े शोध किए। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में केंद्र सरकार को दी, और इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें केंद्र सरकार को खेती किसानी और कृषि से जुड़े मामलों के बारे में की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की विस्तृत चर्चा यहाँ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम घाघर में सागर भरते हुए संक्षेप में उसके पहलुओं को छूना, जो सीधे तौर पर किसान और किसानी को प्रभावित करने बारे उन्होंने सिफारिशें की, उनका प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भूमि सुधार के ऊपर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जो भूमि बंजर पड़ी है, अनकल्टीवेटेड पड़ी है, जिस पर कृषि नहीं की जा रही, वो भूमिहीन लोगों में बांट दी जानी चाहिए। जनजाति और कबीलाई जो लोग हैं, जो जंगलों से सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनको उस मामले में अधिकार दिए जाने चाहिए जीविका यापन के जंगलों के माध्यम से। उन्होंने नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस की स्थापना पर जोर दिया। और सबसे अहम जो मैं मानता हूँ, उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड के सेल का मामला है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून की सिफारिश की कि वो लैंड किन शर्तों पर और किन परिस्थितियों में हस्तांतरित हो सकती है, बेची जा सकती है। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, वो सिंचाई को लेकर है कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए,
भारत की कृषि के बारे में आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि ये मानसून का जुआ है। हमें यहाँ सुधार कर ऐसी व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत है कि हर एक किसान को, हर एक खेत को पानी मिले, सुचारू रूप से सिंचाई की व्यवस्था हो, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज की व्यवस्था की जरूरत है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जोर दिया गया। प्रति एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। कृषि उत्पादकता जो भारत में है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और क्रेडिट कार्ड और बीमा की व्यवस्था किसानों के लिए किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि किसानों को सस्ती ब्याज दर पर 4% तक की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर किसान ऋण वापस नहीं कर सकते तो वो ऋण उनसे वापस ना लिया जाए। ऋण माफ़ी, अगर कोई आपदा की स्थिति हो तो किसानों को ऋण माफ़ी की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के बारे में इसमें बात की गई है। कुपोषण एक कलंक किसी देश के ऊपर होता है, भूखमरी एक कलंक होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की इनमें सिफारिश की गई है। कुपोषण की स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है और किसानों की जो आत्महत्या के मामले हैं उसके ऊपर सुधार के लिए किसानों के बीमा की व्यवस्था की बारे में इसमें कहा गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की इसमें शुरुआत करने के लिए कहा गया है कि ऐसे आयोग का गठन किया जाना चाहिए। किसानों को सूक्ष्म ऋण दिए जाने चाहिए समय समय पर जब उनको जरूरत हो और तकनीकी प्रबंधन से किसानों की सहायता की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह किसानों के बनाए जाने चाहिए। इस सबसे बढ़कर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने चाहिए। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बारे में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो किसानों की लागत है उसके ऊपर 50% के प्रॉफिट के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जैव संसाधनों के ऊपर जोर दिया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन जैसे विषयों से भी जुड़े हुए हैं। उनको अगर अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके पशुओं के लिए व्यवस्था की जाएगी रख रखाव के लिए, तो वो सीधे तौर पर किसान और किसानी को जिस चक्रव्यूह में, जिस आपदा में वो फंसा है उससे बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगा। यूँ तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें हैं लेकिन सीधे तौर पर जो किसानों को फौरी तौर पर राहत देने का मामला है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मामला है, किसानों को जो ऋण के जंजाल में वो फंस चुके हैं उससे उभारने का मामला है, फसलों की उचित कीमत देने के मामले से वो जुड़ा है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि अन्नदाता किसान जो दिन रात मेहनत करके धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है उसके लिए एक आयोग बनता है और उस आयोग कुछ सिफारिशें उस आयोग द्वारा की जाती हैं। किसान बार बार सड़कों पर आकर आंदोलन करता है, सत्तासीन लोगों से मांग करता है, जो चुनाव से पहले वायदा करते थे, किसान को आश्वासन देते थे, आश्वस्त करते थे कि अगर सत्ता इस देश की हमें मिली तो हम स्वामीनाथन आयोग की ये रिपोर्ट लागू करेंगे, आपको राहत देने का काम करेंगे। एक तरफ जहां स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50% का मुनाफा देने की बात करती है, वहीं आज भी किसानों को, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो दूसरी फसल पैदा करने वाले किसान हो, उनको अपनी पैदावार के पैसे लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। क्या हम सही दशा और दिशा में बढ़ रहे हैं? सोचिए, विचार कीजिए, निर्णय कीजिए, क्या व्यवस्था, शासन और प्रशासन सही हाथों में है या इसमें बदलाव की जरूरत है? धन्यवाद।